दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2024 में जो बीएड का पेपर हुआ था जनवरी 2024 सेशन की अगर हम बात करें तो 23-25 सेशन है। इसका एग्ज़ाम्स फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था 2024 जनवरी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के सेकेंड पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे, कितने सवाल पूछे गए थे, लेवल क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो हमें बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, समय कैसा रहा, सब कुछ सही रहा कि नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें रिव्यू कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर टू। एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2023 में। सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो देखिए दोस्तों, एज यूजुअल लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न इस बार रहा है पिछली बार की तरह ही रहा है। इसमें दोस्तों किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, प्रश्नों के अंक समान हैं और आपको टोटल 10 सवाल दिए गए हैं। तो 10 प्रश्न दिए गए हैं, इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, 3 घंटे का आपके पास समय था, 80 नंबर का पेपर था और आपको 5 सवाल यहाँ पे करने थे, यानी कि आपका एक सवाल लगभग यहाँ पे दोस्तों 16 नंबर का रहा था। चलिए, पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाई इज़ इट यूज़फुल फॉर टीचर, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, यह एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में कराया था और मैंने कहा था वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा और कन्फर्म यहाँ पे मिला भी है। ठीक, बहुत ही आसान है, पहले यूनिट से ही आपका सवाल पूछ लिया गया। 16 नंबर आपको देखेंगे तो पहले ही नंबर यूनिट से आपको मिल गया, जो मेरे एक ही वीडियो से ये सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड। मैंने आपको ये भी सेम वीडियो में कराया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसमें प्रयोगात्मक विधि की सविस्तार यहाँ पे वर्णन करना था। तो एज यूजुअल पहले यूनिट का ये भी सवाल है, आप देखेंगे पहले यूनिट से आपको 32 नंबर का सवाल आपको मिल गया, किन्हीं 5 सवाल को करने थे और 2 सवाल तो बहुत ही आसानी से पहले यूनिट से आपको मिल गया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये दोनों सवाल लगभग सबने कर लिया होगा, नहीं तो कम से कम पहला सवाल तो सबने ही किया होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन और हर साल पूछे जाने वाला मोस्टली रिपीटेड सवाल है पहला सवाल। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द ग्रोथ इन डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, गिव एग्जांपल्स। एज यूजुअल सवाल दोस्तों, वेरी ऑब्वियस सवाल आपसे पूछा गया, वृद्धि और विकास क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, उदाहरण दीजिए। समझ में आ गई बात, सेम वीडियो का ये भी सवाल है दोस्तों, एक वीडियो से ही आप देखेंगे तो 3 आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिल गए, यानी कि ये भी पहले यूनिट का ही सवाल है दोस्तों, ये भी पहले यूनिट का ही सवाल है दोस्तों। देखिए, तो पहले ही यूनिट से आपको 16 के 3 सवाल मिल गए हैं, यहाँ पे लगभग 48 नंबर का सवाल आपका पहले ही यूनिट से मिल गया, वाह क्या बात है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, व्हाट इज लर्निंग मैंने एक वीडियो में कराई थी, लेकिन थॉर्नडाइक वाली में अलग मैंने कराई थी। थॉर्नडाइक ने जो 3 अधिगम के सिद्धांत दिए थे, सीखने के सिद्धांत दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्टिवनेस, तो इस तरीके के इफेक्टनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो 3 तरीके का, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो ये 3 नियम थे, इन्हीं को एक्सप्लेन करना था। और व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी कॉमन सा सवाल, अच्छा सा सवाल था, जरूर आपने इसको कर लिया होगा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना करिए, जो पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उन जो इसको आर एस थीरी जो उन्होंने बताया था, रिस्पांस स्टिमुलस सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। ये है आपका 5वां सवाल, इसको मैंने अलग वीडियो में कराया था, मैराथन वाले में नहीं कराया था, क्योंकि आप सबको बताया कि हम कितने दिनों से जुड़े हैं, बहुत कम समय से। अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराऊंगा, 5 वीडियो कराऊंगा, उसी 5वें से सवाल आएगा, मैं इसके बारे में गारंटी भी ले सकता हूँ। चलिए, बड़ी बात नहीं करूँगा भाई, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे जो मैं 5 वीडियो में करा दूंगा, सवाल वहीं से आएंगे। तो अब तक 5 सवाल जो आपसे पूछे गए थे, उन 5 सवालों में से आपने कौन कौन सा सवाल किया था, अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो, और आपका पेपर कैसा रहा, ये आप हमें कमेंट में बताते हुए चलिएगा। और अगर किसी एक बच्चे ने भी मेरा वीडियो देखा हो
किसी एक बच्चे ने मेरा वीडियो देखा हो तो आप हमें रिव्यू ज़रूर कर सकते हैं कि क्या सच में मेरे वो आए थे कि नहीं आए थे पढ़ाए गए चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के किन्हीं दो सिद्धांतों का यहाँ पे वर्णन करना था। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, ये भी ये थर्ड यूनिट का सवाल है। चलिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या हैं, ये भी थर्ड यूनिट का सवाल है। इनमें से किसी एक का सविस्तार समझाइए। तो आप देख सकते हैं बुद्धि से भी सवाल, दो सवाल आपको देखने को मिल गए। व्यक्तित्व की परिभाषा कीजिए, व्यक्तित्व मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य विधि का वर्णन करिए। ये भी काफ़ी साधारण सा सवाल है, अच्छा सवाल है, मोस्टली रिपीटेड सवाल है। और अधिगम का स्थानांतरण क्या है, इसके प्रकारों की विवेचना करिए। व्हाट इज द ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग, डिस्कस इट्स टाइप। ये भी काफ़ी, ये सेकेंड यूनिट का सवाल है दोस्तों, सेकेंड यूनिट से आपके सवाल पूछे गए थे। तो अब तक आपने देखा 9 सवाल आपके पूछे गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में 10 सवाल आपसे यहाँ पे हो गए। तो 10 में से जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने एक वीडियो में जिन जिन सवालों का जिक्र किया था उसमें से एक सवाल ये है, एक ही वीडियो में दोस्तों, मैंने इस बार ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई आपके लिए, अगली बार से मैं पक्का बना दूंगा, सारे सवालों को करा दूंगा। तो एक सवाल वहाँ आपको देखने को मिला था, नो डाउट आपको एक ये सवाल देखने को मिलता, एक ही वीडियो की बात करूँ, 2 सवाल हो गए, ये भी आपको देखने को मिला था, 3 सवाल हो गए, ये भी आपको देखने को मिला था, 4 सवाल हो गए, और ये भी आपको देखने को मिला था, 5 सवाल हो गए। एक ही वीडियो बनी थी, उससे 5 सवाल आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही साधारण तरीके से कर लिया होगा। अधिगम के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, किया गया था उसमें, इसके बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस। तो एक ही वीडियो से आपको 5 सवाल यहाँ पे मिल गए, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया होगा। अब आप मुझे बस एक बात बता दीजिएगा कि इन 10 सवालों में से आपने कौन सा 5-5 सवाल किया था, मुझे जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तीसरा पेपर, अगर कोई बच्चा तीसरा पेपर अभी होने वाला है, अगर वो नहीं दिया है दोस्तों, एक वीडियो में मैं उसके लिए यहाँ पे मैं आपको साइन करके आपको दे देता हूँ। एक ही वीडियो में मैंने पूरा आपका ICT दोस्तों, ICT कराया है, इस डिस्क्रिप्शन के साथ, सॉरी इस थंबनेल के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में, उससे बाहर का नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, आप देख लीजिएगा ICT का। चलिए ठीक है, इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं समाप्त करूंगा। दोस्तों आपका पेपर कैसा गया, कैसा आपने एग्जाम्स दिया था, आपने कौन कौन से इन 10 में से अटेम्प्ट किए, उसको एक बार फीडबैक के तौर पे हमें बता दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। हम जब सुनते हैं, हम जानते हैं, देखते हैं कि बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हम इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपके दोनों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और तीसरा पेपर अगर आपने नहीं दिया है अभी, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ICT का एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है, आप उसको देख लीजिए, यकीनन उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कैसी रही आपकी तैयारी, कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक चीज़, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, साथ दिखाइए, और एक दिन हम इस चैनल को बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत बेहतर बनाएंगे आपके प्रेम और सहयोग के साथ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।